हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका साहनी और आप सभी का वेलकम करती हूं मेरी चैनल दीपिका साहनी फूड्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल में। तो आज की हमारी रेसिपी है सीरा, जो एक स्वीट डिश है। तो फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैन ले लेंगे, इस पे मैं एक चम्मच घी डालूंगी। घी जैसे ही मेल्ट होने लगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स ले लिया है। तो ये देखिए, काजू, बादाम, किशमिश मैंने ले लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं। तो इसे आप हल्का रोस्ट कर दें। अब ये आपको ये सब लो फ्लेम पर ही करना है। इसे रोस्ट करने में 10 टू 15 सेकंड्स लगते हैं और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट हो गया, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आपको दिख रहा होगा कि किशमिश पूरी तरीके से फूल चुकी है। तो ये देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसी पैन में थोड़ा और घी ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें एक कटोरी सूजी को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लो फ्लेम पर ही हल्के हाथों से आप इसे चलाते रहें और उसे गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते रहें। तो ये देखिए दोस्तों, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसे हटा देती हूँ। अब इसी गैस पर मैं अपना दूसरी कढ़ाई में चढ़ा दूंगी और इसी कढ़ाई में हम एक गिलास पानी डाल देंगे और इस पानी को हम उबलने देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, पानी हमारी उबल चुकी है। तो अब हम इसमें अपने रोस्ट किए हुए सूजी को ऐड कर देंगे और इसे फटाफट से चला लेंगे। ये ऑलमोस्ट सूख चुकी है। पानी में हमारा सूजी डिसॉल्व हो गया और अच्छी तरीके से सूजी ने पानी को सोक कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारी सूजी पक जाए। आपको ऐसा लगे तो आप थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी कटोरी से उसी के नाप में, सूजी के ही नाप में मैंने पाउडर शुगर यूज़ किया है। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और जैसे ही आप इसे मिलाएंगे तो थोड़ा पानी ये चीनी छोड़ेगा तो हमारा जो सीरा है वो थोड़ा गीला हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिला दें अच्छे से। आप इसे चलाते रहें ताकि नीचे से वो चिपक ना जाए।
तो अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर ऑरेंज रेड कलर का फूड कलर यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास पाउडर था जिसे मैंने थोड़ा सा पानी में घोल लिया था। तो ये देखिए कलर किस तरीके से चेंज हो रही हैं और बहुत अच्छा कलर आ रहा है। तो हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहो तो कलर के लिए आप केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर फूड कलर किया है। तो अब हम इसमें इसे चिकनापन लाने के लिए थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे और उसके बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम इस स्टेज पर अपने सारे ड्राई फ्रूट्स, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये बहुत इजी प्रोसेस है, आप मेरे वीडियो में देख ही चुके हैं। बहुत इजीली आप घर पर ही सीरा बना सकते हैं और इस तरीके से सीरे का टेस्ट ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा फ्लेवर के लिए इलायची के छिलके यूज करेंगे, इससे इलायची का फ्लेवर आ जाता है। तो हमारा सीरा और सूख गया है और ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने सीरे को सर्व कर लिया है और ऊपर से आप थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें। तो मेरा ये डिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।